जेपीजी आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 8 फरवरी 2020 और हम लोग प्रतिदिन की भांति आज भी इस तिथि से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। प्रस्तुत है आज का पहला सवाल, 22वां इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जी हाँ, 22वां इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन भारत के उस शहर में किया जाएगा जिसे अरब सागर की रानी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी या फिर पूर्व का वेनिस कहा जाता है। जी हाँ, आप अनुमान लगा लिए होंगे कि मैं किस शहर की बात कर रहा हूँ। ये शहर है केरल का शहर कोच्चि, जो कि वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। कोच्चि जिसे कभी कोचीन के नाम से जाना जाता था और यहीं पर 22वां इंटरनेशनल सी फूड शो 2020 का आयोजन किया जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि 22वां इंटरनेशनल सी फूड शो का थीम क्या होगी तो उस सवाल का जवाब होगा ब्लू रिवॉल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। यानी सी फूड शो 2020 का थीम क्या है? ब्लू रिवॉल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। और आपको बता दें कि 21वां इंटरनेशनल सी फूड का आयोजन भी भारत में ही गोवा में वर्ष 2018 में किया गया था। यहां पर देश विदेश से लगभग 5000 से अधिक सदस्यों के उपस्थित होने के आसार हैं, उम्मीद हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये 22वां इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन किसके द्वारा कराया जा रहा है तो उस सवाल का जवाब होगा सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार का कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री। आपको बता दें कि यह प्रति दूसरे वर्ष आयोजित होने वाला एक इंटरनेशनल कॉन्क्लेव है जिसका उद्देश्य सी फूड को नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक प्रमोट करना होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल का आयोजन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? जी हाँ, भारत और मध्य एशिया के 5 देश कौन कौन? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान। ये 5 देश जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे लेकिन 1991 के बाद अब एक अलग देश हैं और इन 5 देशों और भारत के बीच नई दिल्ली में सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल का आयोजन किया गया जिसे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा संबोधित किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल का आयोजन किसने किया तो उस सवाल का जवाब होगा फिक्की। किसने किया? फिक्की, जैसा कि आप जानते हैं फिक्की का मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि 1927 में महात्मा गांधी के सलाह पर घनश्याम दास बिरला के द्वारा स्थापित किया गया। वर्तमान में फिक्की की चेयरमैन संगीता रेड्डी हैं। फिक्की का कार्यालय नई दिल्ली में है और फिक्की वर्तमान समय में भारत का ओल्डेस्ट बिजनेस एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है। फिक्की के द्वारा ही सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल का आयोजन किया गया था। और इतना ही नहीं, अगर आपसे पूछे कि एयर कॉरिडोर, क्या एयर कॉरिडोर का निर्माण भारत कहां पर कर रहा है, किन देशों के बीच कर रहा है, तो यही मध्य एशिया के 5 देश जिनका नाम अभी मैंने बताया, उनके साथ भारत ईरान में स्थित अपना चाहबार बंदरगाह से एयर कॉरिडोर का निर्माण के लिए प्रयासरत है, जो कि भारत की आर्थिक समृद्धि में मील का पत्थर साबित होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, हॉकी इंडिया और भारतीय खेल प्राधिकरण साई के द्वारा कितने हाई परफॉर्मेंस हॉकी सेंटर की स्थापना किया जाएगा? जी हाँ, आगामी ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आप जानते हैं वर्ष 2020 में ओलंपिक खेल टोक्यो में, जबकि 2024 में पेरिस में और 2028 में कनाडा, मैस्को और यूएसए के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कराए जाएंगे। भारत सरकार के द्वारा, खासकर के खेल मंत्रालय के द्वारा
विभिन्न विभिन्न योजनाओं के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं में भारत को सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने का प्रयास जारी है और उसी के तहत स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि भारतीय खेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला एक विंग है उसी साई और हॉकी इंडिया के द्वारा भारत के विभिन्न स्थलों पर 7 हाई परफॉर्मेंस कितने 7 हाई परफॉर्मेंस हॉकी सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये सेंटर कहाँ कहाँ स्थापित होंगे तो उस सवाल का जवाब होगा भारत के 7 शहरों में, उसमें रांची, पुणे, इम्फाल यानी मणिपुर, भोपाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, नई दिल्ली और बंगलुरु यानी कर्नाटक। इन 7 जगहों पर हाई परफॉर्मेंस हॉकी सेंटर का निर्माण कराया जाएगा जहां पर 14 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष की आयु सीमा के 72 पुरुष और 72 महिला खिलाड़ी 72 मेल एंड 72 फीमेल प्लेयर को इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी का जो कभी रुतबा था भारत का उसे फिर से प्राप्त किया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं ओलंपिक खेलों में अब तक सबसे अधिक 8 बार गोल्ड मेडल जीतने का जो रिकॉर्ड था वो आज भी भारत के नाम है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। RBI की 6वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति 2019-20 के अनुसार रेपो रेट 5.15% है। कितना है? 5.15% है। जैसा कि आप जानते हैं मुद्रा प्रबंधन के लिए मनी मैनेजमेंट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो पॉलिसी फॉलोअप किया जाता है उसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, उसी को मौद्रिक नीति कहते हैं। और RBI के द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के तहत जो रेपो रेट डिक्लेयर किया गया, हालांकि 6वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और इसको एज इट इज पहले जैसा ही रखा गया। अगर रेपो रेट 5.15% है तो रिवर्स रेपो रेट कितना होगी? ठीक इसी से 0.25% कम होगी यानी 4.9% होगी। तो सबसे पहले जाने कि रेपो रेट क्या होती है, तो रेपो रेट वह रेट होती है जिस पर कि भारत के जितने भी कमर्शियल बैंक हैं RBI से लोन लेते हैं, उधार लेते हैं। और रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो भारत के जितने भी कमर्शियल बैंक हैं सबके सब अपने पास जितनी भी एक्सेस मनी होती है उसे RBI के पास इसी रेट पर 4.90 पर जो है डिपॉजिट कर देते हैं और इसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है और इसे रेपो रेट कहा जाता है। दोनों के बीच जो है 0.25% का अंतर होता है। बैंक रेट कितना होगी? 5.4, जबकि RBI के द्वारा यह बताया गया कि आगामी फिनेंशियल ईयर में जो इंडिया की GDP ग्रोथ रेट होगी वो 6% हो सकती है। RBI जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है और किसी भी देश का सेंट्रल बैंक वह बैंक होता है जो उस देश की बैंकिंग व्यवस्था को रेगुलेट करता है, मैनेज करता है। भारत में RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर किया गया था। वर्तमान में RBI के जो गवर्नर हैं 25वें गवर्नर हैं उनका नाम शक्तिकांत दास है और अभी एशिया पैसिफिक जो समिट हुई उसमें बैंकर मैगजीन के द्वारा इन्हें बेस्ट गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक का प्राइज भी दिया गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 5वां भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जी हाँ, 5th यानी 5वां भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश की नवाबों की नगरी लखनऊ में किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में किया गया है और एशिया की सबसे बड़ी वेपन्स एग्जीबिशन हथियारों की प्रदर्शनी और आयोजन हुआ है और वहीं पर भारत और रूस के बीच सैन्य औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन किया गया।
जैसा कि आप जानते हैं, भारत और रूस के सहयोग से ही उत्तर प्रदेश का जिला अमेठी में कोरवा नामक जगह पर एसॉल्ट राइफलों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना की गई है और भारत और रूस लगातार अभी भी वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने के लिए वचनबद्ध हैं। यहीं पर लखनऊ में ही, कहां पर, लखनऊ में ही भारत और अफ्रीका के 50 देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच जो एक इंटरनेशनल समिट ऑर्गेनाइज की गई, ये पहली बार समिट ऑर्गेनाइज की गई है और वहां पर जो MOU साइन किया गया उसे लखनऊ घोषणा पत्र का नाम दिया गया, लखनऊ डिक्लेरेशन का नाम दिया, जिसकी अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्री आप राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। राजनाथ सिंह जो कि लखनऊ से ही सांसद भी हैं और भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री भी हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विश्व में क्रूड स्टील के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? जी हां, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा जारी किए गए आंकड़े के अनुसार भारत वर्ष 2019 में क्रूड स्टील के प्रोडक्शन में अब चाइना के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। चाइना अभी भी नंबर वन है जबकि भारत का स्थान दूसरा है। भारत ने जापान को तीसरे स्थान पे ढकेल करके अब दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जैसा कि आप जानते हैं, सेकेंड 5 ईयर प्लान में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में विभिन्न हिस्सों में स्टील प्लांट की स्थापना की गई, जैसे ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला या फिर रूस के सहयोग से विशाखापत्तनम, रूस के सहयोग से ही भिलाई, रूस के ही सहयोग से बोकारो, ये कुछ ऐसे स्टील प्लांट हैं जो दूसरी या तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे और वर्तमान समय में इसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के द्वारा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा रेगुलेट और मैनेज किया जाता है। और जो सिलसिला शुरू हुआ था 50 के दशक में उसका परिणाम अब सामने आने लगा है और आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही, यही जो है प्रोडक्शन रफ्तार रही, तो भारत क्रूड स्टील के प्रोडक्शन में नंबर वन देश बनेगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत के किस शहर को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के रूप में प्रमाणित किया गया? जी हां, भारत का शहर जिसे गुलाबी नगरी के नाम से, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, कौन सा शहर? जयपुर। जयपुर की स्थापना 1727 में राजा जयसिंह के द्वारा की गई थी और ब्रिटेन के राजकुमार के आगमन के खुशी में पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगा गया और तभी से जयपुर को पिंक सिटी का नाम मिला। जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है और यूनेस्को के द्वारा इस शहर को विश्व धरोहर सूची में जगह दी गई है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह दी गई। चूंकि बात हो रही है यूनेस्को की, तो मैं बता दूं, यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में यानी फ्रांस है, पेरिस जो कि सीन नदी के तट पर स्थित है। और यूनेस्को UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेशलाइज एजेंसी है, एक विंग है जिसके द्वारा विभिन्न देशों के ऐतिहासिक महत्व के जो भी धरोहर हैं उनको संरक्षित और संवर्धन करने के लिए हमेशा हेल्प किया जाता है, मदद किया जाता है। और इसी कड़ी में यूनेस्को के द्वारा जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह दी गई और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह पाने वाला भारत का पहला शहर जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी है। अगर
जयपुर को देखा जाए तो जयपुर भारत का 38वां यूनेस्को हेरिटेज साइट है। कौन सी? 38वां, यानी इससे पहले 37 थे और अब 38 हो गए हैं। आपको बता दें कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह पाने वाली पहली ऐतिहासिक इमारत ताजमहल थी, जो कि 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में लिस्टेड की गई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस राज्य सरकार के द्वारा गांवों के मानचित्रण के लिए ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा? जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गांवों के मैपिंग के लिए, मानचित्रण के लिए अब ड्रोन कैमरा का प्रयोग किया जाएगा। अब तक इसके लिए जो है सैटेलाइट जीपीएस सिस्टम का प्रयोग किया जाता था या मैनुअल मैपिंग का प्रयोग किया जाता था, लेकिन राज्य सरकार एग्जैक्ट आंकड़ा एकत्रित करने के लिए ड्रोन कैमरों का प्रयोग करेगी। मध्य प्रदेश, जो कि 1 नवंबर 1956 को अपना स्थापना दिवस मनाता है, वहाँ के मुख्यमंत्री कमलनाथ और वहाँ के राज्यपाल कहाँ के? मध्य प्रदेश के लालजी टंडन हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, जहाँ सबसे अधिक टाइगर रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश का शहर है उज्जैन, जो कि छिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जहां की प्रति 6 वर्ष या 12 वर्ष के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। मीराबाई चानू ने 35वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? जी हाँ, भारत में राजीव गांधी सर्वोच्च खेल पुरस्कार से सम्मानित मणिपुर की भारोत्तोलक वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने 35वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त करके न सिर्फ अपना और अपने प्रदेश देश का गौरव बढ़ाया, बल्कि अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को और बेहतर किया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में किया गया। कहां पर? कोलकाता में किया गया। वहीं पर 35वीं महिला चैंपियनशिप और 72वीं पुरुष भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। कोलकाता, जो कि ऐतिहासिक शहर, हुगली नदी के तट पर 1698 में जाप चार नौ के द्वारा बसाया गया। कोलकाता, जो कि कभी ब्रिटिश हुकूमत में भारत की राजधानी भी रही, लेकिन वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली दरबार के आयोजन के दौरान इसे कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का फरमान सुनाया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? जी हाँ, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में भारत को 36वां स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 36वां, जो कि वर्ष 2018 में भारत को 44वां स्थान प्राप्त हुआ था। आपको बता दें कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यूएस चैम्बर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएस चैम्बर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया गया जाता है, और वर्ष 2020 में इसे इंस्पायरिंग टुमारो के नाम से जारी किया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक उसी पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया? जी हाँ, एक उसी पुस्तक मेले का आयोजन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया। इस पुस्तक मेले का उद्घाटन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के कर कमलों के द्वारा किया गया। ढाका, जो कि कभी असम का हिस्सा था, लेकिन जब बंगाल का विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में, तो ढाका को असम से काट करके और पूर्वी बंगाल में मिला दिया गया, और तब से आज तक ढाका पूर्वी बंगाल, जो कभी पूर्वी पाकिस्तान कहलाया और अब बांग्लादेश कहलाता है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी टका, और टका करेंसी गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का था, हालांकि उस समय उसे टंका कहा जाता था, और वही टंका का बिगड़ा हुआ रूप टका है। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। वहीं पर एक उसी पुस्तक मेले का आयोजन स्पेशली बांग्ला भाषा के साहित्य को,
कवियों को प्रमोट करने के लिए इसका आयोजन होता रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस देश में टिड्डियों के कारण आपातकाल लागू किया गया? जी हां, दुनिया में आतंकवाद की नर्सरी के लिए अपनी पहचान रखने वाला देश पाकिस्तान, जिससे कि पूरी दुनिया परेशान है और वो खुद टिड्डियों से परेशान है। अभी हाल ही में टिड्डियों का इतना अधिक प्रकोप पाकिस्तान के ऊपर गहरा गया कि पाकिस्तान सरकार को आपातकाल घोषित करना पड़ा। टिड्डियां जो कि फसलों को बहुत बुरी तरीके से नाश कर देती हैं, समाप्त कर देती हैं, किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान जो कि 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग होकर के एक अलग देश बना और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा तब कहा गया था कि पाकिस्तान शांति और अमन का देश होगा, वाकई है भी। पाकिस्तान की राजधानी वर्तमान समय में इस्लामाबाद है, जो कि कभी कराची भी थी, और पाकिस्तान की करेंसी भी रुपया है। पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मतला अभियान किससे संबंधित है? जी हां, मतला अभियान सेफ्टी से, सुरक्षा से संबंधित है। दरअसल भारतीय सेना के द्वारा सुंदरबन में चलाया गया जो अभियान था, जो कि मतला अभियान के नाम से जाना गया। मतला एक बांग्लादेश में बहने वाली नदी का नाम है जो कि सुंदरबन में आकर के गिरती है। तो मतला अभियान, मैंने बताया कि मतला बांग्लादेश में बहने वाली नदी है जो कि सुंदरबन में आकर के गिरती है। सुंदरबन ब्रह्मपुत्र और गंगा के द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसका 60% हिस्सा पड़ोसी देश बांग्लादेश में, जबकि 40% हिस्सा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और सुंदरबन जो कि सुंदरी वृक्षों के लिए, मैग्रोव वृक्षों के लिए जाना जाता है, और एशियाई सिंहों के लिए, बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। और इसी मतला नदी के तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से इंडियन नेवी के द्वारा जो अभियान चलाया गया, उसे मतला अभियान कहा गया। भारतीय नौसेना, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और भारतीय नौसेना प्रति वर्ष 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाती है। भारतीय नौसेना के जो चीफ हैं, जिनका नाम करमबीर सिंह है, और करमबीर सिंह इंडियन नेवी के एडमिरल हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेड्स इनिशिएटिव द्वारा किए गए सर्वे में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? जी हां, अपने बच्चों को स्तनपान कराने के मामले में किए गए एक सर्वे में जो प्रथम स्थान मिला, वो पड़ोसी देश श्रीलंका को। किसको प्राप्त हुआ है? श्रीलंका को प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिवर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त यानी अगस्त के प्रथम सप्ताह में ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 1991 से ब्रेस्ट फीडिंग के संदर्भ में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए WHO के द्वारा यह प्रोग्राम चलाया जाता है। श्रीलंका जो भारत का पड़ोसी देश है, जिसे आंसू की बूंद या पूरब का मोती कहा जाता है, श्रीलंका पाक की जलसंधि से भारत से अलग होता है, और मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरम, यहाँ की करेंसी रुपया, और श्रीलंका 4 फरवरी को प्रतिवर्ष अपना स्थापना दिवस मनाता है। अभी अभी वर्ष 2020 में श्रीलंका अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया। 1948 में श्रीलंका ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नोवेल कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा गठित टास्क फोर्स का कौन हिस्सा नहीं है? जी हाँ, नोवेल कोरोना वायरस जो कि पूरी दुनिया को झकझोर करके रख दिया, हिला करके रख दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा अब इसे वैश्विक आपदा घोषित कर दिया गया, ग्लोबल क्लाइमिटी घोषित कर दिया गया। चीन का वुहान शहर, जहाँ के लोग बड़े ही
आध्यात्मिक है। भोजन में चमगादड़ का सूप या फिर सांप भी खाने से गुरेज नहीं करते हैं और उसी के माध्यम से कोरोना वायरस फैला है और अब चीन सहित पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले चुका है। भारत सरकार का राज्य केरल भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने कि इसे स्टेट कैलेमिटी घोषित किया, राज्य की आपदा घोषित कर दिया। कोरोना वायरस से बचने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो टास्क फोर्स बनाई गई है उसमें भारत के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, किशन रेड्डी और हरदीप सिंह पुरी समेत ये चार लोगों की टीम है और दिए गए क्वेश्चन के अनुसार स्मृति ईरानी कोरोना टास्क फोर्स की मेंबर नहीं है बल्कि डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर और हरदीप सिंह पुरी जो कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं, जबकि जी किशन रेड्डी वर्तमान समय में गृह मंत्रालय के राज्य स्तरीय मंत्री हैं और एस जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्री हैं। इनके तत्वावधान में ये टास्क फोर्स का गठन किया गया है। बढ़ते हैं बेस्ट फीचर ऑफ द सेशन। विक्टोरिया रिवर किस महाद्वीप की नदी है? जी हाँ, विक्टोरिया झील नहीं, विक्टोरिया नदी किस महाद्वीप की नदी है? इस सवाल का जवाब आपको बताना है। पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कुक की जल संधि कहाँ पर स्थित है। जी हाँ, कुक की जल संधि न्यूजीलैंड में स्थित है। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में स्थित है। न्यूजीलैंड की खोज जेम्स कुक के द्वारा ही किया गया था और उसी के नाम पर इसे कुक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। स्ट्रक्चर और क्लाइमेट में समानता के कारण न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन, और कुक की जल संधि वहीं पर स्थित है। ये रहा आज का सेशन। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें ताकि इससे हमको ये फायदा होता है कि मेरा मेहनत कितना सार्थक सिद्ध हो रहा है। इसको अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ और लोगों का भला हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।